अभी जो है लगभग लगभग बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, और बारिश के मौसम में आप जानते ही होंगे कि अगरबत्ती सुखाने में बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं। और ये अगरबत्तियां मैं धूप में निकालने का कारण ये है कि मेरा जो ड्रायर फैन है वो थोड़ा मीडियम साइज़ का जो ड्रायर फैन था मेरा, तो ये मिनिमम मुझे 20 से 22 घंटे ड्रायर फैन में सुखाने के बाद भी ये नहीं सूख पाई है। इसकी वजह से मुझे इसे पूरा का पूरा जो अगरबत्ती है उसे धूप में निकालना पड़ा है। और जो है मेरे पास अभी जो फ़िलहाल ड्रायर फैन है वो देखा जाए तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अगरबत्तियां नहीं सूख पाती हैं। मिनिमम 100 केजी के अंडर ही इसमें अगरबत्ती मैं सुखा पाता हूँ। और जो मेरा प्रोडक्शन है उसके हिसाब से ड्रायर फैन मेरा छोटा है, जिसकी वजह से सुखाने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। और इस टाइप की अगर आप धूप में बंडलिंग जो करके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पूरी अगरबत्ती जो है बंडल में बांध के ही धूप में निकाला हूँ, अगर आप इस तरीके से बंडल में बांध के अगर धूप में निकालते हो तो कोई परेशानी नहीं होगी। बट आपको देखना होगा कि इतना ही सूखना चाहिए जितना कि इसको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा आप धूप में ना सुखाइए, क्योंकि ज़्यादा धूप पड़ने से जो अगरबत्ती होती है वो मुड़ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। कोई कोई बंडल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसा कि इस बंडल को आप देख रहे होंगे ये थोड़ी थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी जैसे दिख रही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुड़ता है वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। क्योंकि जैसा आप बैग में भरोगे या फिर कार्टून में इसे पैक करोगे, तो पैक करने के बाद क्या होता है, एक दो दिन में ये अपने सही मतलब एक सीधी स्टिक ये हो जाती है। मतलब जो मुड़ी हुई होती है वो अगर नॉर्मल जगह में आप रखोगे तो वो सीधी हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। बट ध्यान यही रखें कि आप धूप में अगर सुखाते हो तो इसे बंडलिंग करके ही सुखाएं। अगर आप इसे फैला के पूरा अगर ड्राई करोगे तो ये पूरी की पूरी अगरबत्ती जो है मुड़ जाती है। और रबड़, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें मैंने रबड़ जो है लगाया हुआ है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। आपको स्टिक जो है इस तरीके से रखनी होगी, और इस तरीके से रखने के बाद आपको इसको थोड़ा सा राउंड अप ले लेना है, मतलब थोड़ा सा घुमा देना है, ताकि जो इसमें गैपेस होंगे, मतलब जैसा जैसा आप देख रहे हैं कुछ कुछ गैप इसमें आपको दिख रहे होंगे, तो इस गैप में क्या होगा, जैसे आपका धूप पड़ेगा तो अंदर की तरफ वो चले जाता है, इससे जो अंदर की अगरबत्तियाँ हैं वो भी नॉर्मल धूप पड़ते ही वो सूख जाती हैं। तो आपको इस तरीके से इसको रखना है। और जैसे कि आप पूरा अगर फैलाओगे इसे, जैसा कई लोग करते हैं कि जैसे रबड़ खुल गया इसको पूरा अगर फैलाते हो आप, तो वो मुड़ने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उसमें अगरबत्तियाँ बहुत जल्दी जो है बैंड हो जाती है। तो आप जो है इसमें रबड़ या फिर रस्सी जो है बांध कर ही इसे धूप में सुखा सकते हैं, और ये आपको उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो है अगरबत्ती एक एक साथ आप इसे बैग में या फिर कार्टून में आप रख सकते हो। तो वीडियो में बस इतना ही, और आगे मैं कुछ नई टॉपिक्स के साथ आपके बीच नया वीडियो लेके हाजिर ज़रूर होऊंगा, क्योंकि अभी कुछ काम की वजह से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिज़नेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा, जो कि आपके अगरबत्ती बिज़नेस के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल ज़रूर होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।